महाराष्ट्र विधानसभा बजट सत्र के हंगामे से नाराज राज्यपाल, अभिभाषण बीच में रोक सदन से बाहर निकले एनसीपी विधायक संजय दौड़ ने सिर के बल खड़े होकर राज्यपाल का किया विरोध। नवाब मलिक की कस्टडी में 4 दिन की बढ़ोतरी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मलिक 7 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में भारी उछाल, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 7 रुपए की हो सकती है बढ़ोतरी। नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम से रखते हैं संबंध, उन्हें एमवीए सरकार क्यों बचाना चाहती है, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूछे सवाल। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अधिवेशन के पहले दिन भाजपा ने नवाब मलिक के खिलाफ जमकर लगाए नारे। लोकल में यात्रियों की संख्या में हुआ इजाफा, लोकल डिब्बों की संख्या में होगी बढ़ोतरी, 12 डिब्बों के लोकल में 3 डब्बे और जोड़ने के निर्देश, लोकल के फेरों में भी होगी बढ़ोतरी। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के करीब के 20 किलोमीटर के रूट पर मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी हुई पूरी, मंत्री आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने किया मुआयना, रोजाना मेट्रो के 200 फेरी चलाने की तैयारी। यूक्रेन रूस के बीच खूनी जंग हुई तेज, युद्ध में रूस के 9000 सैनिक मारे गए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा। पुतिन ने आम नागरिकों को मारने का दिया था आदेश, यूक्रेन में जिंदा पकड़े गए रूसी सैनिक का बयान। युद्ध खत्म करने के लिए हम यूक्रेन से बातचीत को तैयार, रूस के विदेश मंत्री का बयान आया सामने।